Okay, let's look at this one. The charge, the charge and potential across six uh, microfarad capacitors will be <coughs> applied voltage यहाँ पर 200 volt है। चार कैपेसिटर्स हैं 24 microfarad, 24 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad। हमें इन दो की चार्ज और इन दो का पोटेंशियल बताना है कि किसके बराबर हैं। वी कैन सी कि ये दो पार्लल कॉम्बिनेशन में है यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड और यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड सो so, पार्लल कॉम्बिनेशन है अब पार्लल कॉम्बिनेशन में हमें पता है सिंपल सम होता है तो मैं इसको रिड्रॉ कर लेता हूं ये ट्वेंटी फोर माइक्रोफेरेड ये इन दो का इक्वलंट और फिर ये 24 माइक्रो सो so 24 माइक्रो माइक्रोफेरेट 24 माइक्रो माइक्रोफेरेट और ये सिक्स प्लस ट्वेल्व माइक्रोफेरेट अप्लाइड वोल्टेज इज 300 हंड्रेड वोल्ट अब हमें इनकी चार्ज और इनका पोटेंशियल बताना है किसके बराबर है पोटेंशियल के बारे में याद करें पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर्स इन परल कॉम्बिनेशन इज इक्वल इज इक्वल टू देर इक्वल सो जो इसका पोटेंशियल होगा यहां पर वही इसका भी पोटेंशियल होगा वही इसका भी पोटेंशियल होगा और चार्ज ऑफ द इक्वलन कैपेसिटर इज द कैपेसिटर्स इन पार्लर कॉम्बिनेशन तो जो चार्ज पोटेंशियल जो इसका होगा वही इसका होगा वही इसका होगा और चार्ज जो इसकी होगी वो इन दो में डिवाइड होगी नम कैपैसिटन वाले कैपैसिटर्स हैं तो जो भी चार्ज यहां पर होगी वो इन दो में इक्वली डिवाइड होगी क्योंकि इन दोनों की कैपैसिटन जो है वो सेम है

अब नोट कर लें कि आपके पास तीन कैपेसिटर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है एक 24 है दूसरा 24 है तीसरा 12 है ओके सो अप्लाइड वोल्टेज 300 हंड्रेड वोल्ट है थ्री वोल्ट इन तीन में शेयर हो जाएगा और तीन में से ये दो जो है उनका सेम होगा ओके okay? और इसकी कैपेसिटर्स इसका डबल है तो इसका पोटेंशियल भी डबल होगा रिमेंबर क्यू इज सी वी क्यू इज इक्वल सी वी अब आ, आ, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं वी इज इक्वल क्यू डिडेड बाई सी अब क्यू तो तीनों का सेम होना है क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है तो वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी तो जिसका जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जिसकी कैपैसिटेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल कम होगा चलिए थोड़े डिटेल में यही कर लेते हैं ये कैपैसिटंस इक्वलंट ये थ्री हंड्रेड वोल्ट अब थ्री हंड्रेड वोल्ट सारा इसी को मिल रहा है तो इसका पोटेंशियल भी थ्री हंड्रेड वोल्ट होगा और सी इक्वलेंट जो होगा वन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी फोर प्लस वन प्लस वन फोर ओके इन तीन का सम दिस इज ट्वेंटी फोर वन प्लस टू प्लस वन सो दिस सिक्स

लेकिन ये इन तीन की सीरीज सीरीज है का याद करें हमने सीरीज कम्बिनेशन वाले सेशन में कहा अगर इसकी 1800 हंड्रेड माइक्रोकोलोम है तो इसकी भी एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलोम है इसकी भी एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलोम है इसकी भी एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलम है तो तीनों की चार्ज जो है वो एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलोम है अब हमारा गर्ज जो है वो इसके साथ है क्योंकि हमें ये दो चाहिए ओके ये दो हमें चाहिए तो मैं इस पार्ट को रेज यहां पर कर लूंगा एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलम याद रखें तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलोम है So, इसकी चार्ज जो है वो 1800 हंड्रेड माइक्रोकोलोम एटीन हंड्रेड माइक्रोकुल अब जाके इसका पोटेंशियल देखते हैं ओके या लेट्स डायरेक्टली ये चले पोटेंशियल भी देखते हैं पोटेंशियल माइक्रो माइक्रोफेरेट का पोटेंशियल ट्वेल्व माइक्रोफेरेट क्या था? चार्ज तो आपको पता है दैट इक्वल एटीन हंड्रेड माइक्रोकोलोम Uh, capacitance to know that is equal to 12 microfarads. So potential jo hoga, that will be equal to 1800 divided by 12. Q divided by c. Okay? Q divided by C. So this is equal to uh, 12 into 1, 12, 6, 60, 5 is 60, and then 0, 150 volts. ओके okay, 150 वोल्ट फाइन तो वोल्टेज हमें पता चल गया ना इसका पोटेंशियल 150 वोल्ट है तो इसका भी 150 वोल्ट होगा इसका भी 150 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स इज सेम एंड इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वन और, से से और चार्ज जो है 1800 माइक्रो कूलम्स इसकी वो इन दो में शेयर हो जाएगी अब इन दोनों की कैपेसिटन सेम है तो ये चार्ज जो होगी वो इक्वली शेयर हो जाएगी दैट वुड वुन के नाइन हंड्रेड इसको मिल जाएगी और नाइन हंड्रेड इसको मिल जाएगी सो so, पोटेंशियल हमें बताना था किसके बराबर है वो 150 uh, वोल्ट के बराबर है दोनों का 150 वोल्ट के बराबर और चार्ज हमें बतानी थी सिक्स माइक्रोफेरेट कैपेसिटर्स की नाइन हंड्रेड माइक्रोकुल्स इच So, दोनों का पोटेंशियल सेम है 150 एंड uh, वोल्ट क्योंकि पर्ल कॉम्बिनेशन में है और दोनों की चार ही सेम है क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस सेम है 900 हंड्रेड माइक्रोकुलम और 900 हंड्रेड माइक्रोकोम